दोस्तों, एटीएम का उपयोग तो आपने किया ही होगा। दरअसल जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और उसकी प्रिंट कॉपी जनरेट करते हैं, तो जो कागज निकल कर आता है वह कोई साधारण कागज नहीं बल्कि थर्मल पेपर होता है। पर क्या आप जानते हैं कि बैंक के एटीएम में साधारण कागज की जगह महंगा थर्मल पेपर क्यों यूज किया जाता है? दरअसल दोस्तों, थर्मल पेपर की खास बात होती है कि उस पर एक विशेष प्रकार का केमिकल लगा होता है जिसे बिस्फेनॉल ए कहते हैं। इसकी वजह से यह पेपर आसानी से खराब नहीं होता। वहीं इस पर प्रिंटिंग करने के लिए इंक का यूज नहीं किया जाता है बल्कि विशेष प्रकार की हीटिंग प्रोसेस के कारण इस पर प्रिंटिंग होती है। दोस्तों, अगर नॉर्मल पेपर का यूज किया जाए तो मशीन में इंक का बॉक्स भी रखना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।